धर्म और अधर्म, सत्य और कर्म, आस्था और विश्वास, शून्य से आकाश, भवसागर की बेड़ियां, लोभ लालच और विलासिता, सामाजिक बंधन और युद्ध का क्रंदन, इंसानी रूह और शरीर का रिश्ता, असंख्य सवालों के असंख्य समाधान भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था ये रास्ता जब दिया था अर्जुन को यहाँ कुरुक्षेत्र में 5000 साल पहले गीता का ज्ञान। हम लोग आज पहुँचे हैं ठीक उसी स्थान। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह शौरान। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से दुनिया को दिया श्री कृष्ण का ये संदेश। कर्म के गूढ़ रहस्य और उसकी प्रधानता के महत्व को सरल शब्दों में बयां करता है। श्री भगवत गीता का ये श्लोक कर्मयोग दर्शन का मूलाधार है और कर्म करने को प्रेरित करने के साथ कर्म करनी में होने वाले विकारों से भी बचाता है। भगवत गीता का ये संदेश भगवान श्री कृष्ण ने करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दिया था, इसलिए इस पावन भूमि को नमन करने के लिए श्रद्धालु देश दुनिया से साल भर यहां आते हैं। खास तौर पर गीता जयंती के मौके पर गीता पाठ से कुरुक्षेत्र का कण कण कृष्णमय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इंसानियत को जीने और मरने का उद्देश्य दिया था, उसी उद्देश्य के ज्ञान को गीता का उपदेश कहा जाता है। गीता कर्म को धर्म से बड़ा मानती है और ज्ञानी और अज्ञानी को जीने की राह दिखाती है। गीता के अनुसार तो गीता के कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही धर्म है और अपने कर्म को धर्म बना के करो, कर्म अधर्म की संज्ञा में ना जाए, कर्म अधर्म। और इसीलिए गीता का जो प्रारंभिक वाक्य है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, महापुरुषों ने उसका जो एक लाक्षणिक एलिगोरिकल मीनिंग लिया वो ये भी लिया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्षेत्र के क्षेत्र धर्मम करो, हर क्षेत्र में धर्म की मर्यादाएं धर्म की भावनाएं साथ रख के अपना कर्म करो। और जहां धर्म की बात आती है, धर्म मजहब के अर्थ में नहीं है गीता में, धर्म रिलीजन के अर्थ में नहीं है गीता में। गीता का धर्म केवल मत मतांतर की संकीर्णता में बंधा हुआ नहीं है, गीता का धर्म है जीवन मूल्य और वो जीवन लाइफ वैल्यूज। और वो धीरे धीरे जब आपके अंदर आपके जीवन मूल्य सुरक्षित होंगे तो आप पाएंगे कि फैमिली वैल्यूज़ भी जो को भी आप आदर करेंगे, तब आप सोशल वैल्यू का क्या क्या आदर है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, और तब आप मानवीय मूल्यों के प्रति ह्यूमन वैल्यूज़ के प्रति भी सजग रहेंगे। और इसीलिए हम एक बात कहते हैं कि भगवद गीता ये वैल्यूज़ को मूल्यों को और आदर्शों को जीवन में ला करके गीता इंसान को अच्छा इंसान बनाने की एक प्रेरणा है। कहते हैं कि वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता, इसलिए संसार के महत्वपूर्ण ग्रंथों में श्रीमद् भगवत गीता का विशेष स्थान है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं इसके वक्ता हैं और उनका कहना है गीता में हृदयम पार्थम, अर्थात हे अर्जुन
गीता मेरा हृदय है। इस तरह गीता को सर्वशास्त्रमयी कहा गया है, क्योंकि सभी शास्त्रों में मंथन करके अमृतमयी गीता का उदय हुआ है। इसका दिव्य संदेश किसी जाति, धर्म या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है, जो सर्वभौम है। विभिन्न मत मतांतरों का यदि ध्यान ना दिया जाए तो अधिकांश विद्वान इस मत पर सहमत हैं कि गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसके संकलनकर्ता स्वयं वेदव्यास जी हैं। कहते हैं कि गीता को भगवान ने योग में स्थित होकर अपने श्री मुख से ही कहा है, इसीलिए गीता को वेदों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहा गया है। गीता ने कहा, अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागा शांतिरपैष्णो दया भूतेश्वलो लुप्तो मार्दम हरि रचा। ये धर्म है गीता, ये लक्षण ही धर्म है गीता के। तो जब ये जीवन में होंगे तो मनुष्य अपनी मानवता की रक्षा कर पाएगा, इंसान अच्छा इंसान बनेगा। और सच बात ये है कि जब इंसान अच्छा इंसान बन जाएगा तो जो कुछ भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। डॉक्टर बनेगा तो अच्छा डॉक्टर, क्यों, मूल्यों का सम्मान है। वो अगर कहीं इंजीनियर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, व्यापारी बनेगा तो अच्छा व्यापारी बनेगा। तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं किसी चीज़ में अधिक प्रॉफिट कैसे लूँ, वो नहीं होगा। मैं उचित व्यवहार, उचित व्यवहार। तो गीता का धर्म इंसान के अंदर की क्षमताओं को सन्मार्ग पर ला करके, मूल्यों को जीवन में आदर देकर इंसान को अच्छा इंसान बनाने का धर्म है। कोई मजहब की बात नहीं, जाति वर्ग वर्ण की बात नहीं, और उस आधार पर एक अच्छी मानवता की ओर ले जाने की प्रेरणा है। श्रीमद् भगवद् गीता दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। ये भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध में दिया गया वो दिव्य उपदेश है, जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर संशय में पड़ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से तरह तरह के प्रश्न किए। इनका समाधान श्री कृष्ण ने अपने तर्कपूर्ण उत्तरों से किया। इस तरह अर्जुन को केंद्र में रखकर दिया गया ये भगवान का गीता अमृत रूपी वाणी से समन्वित उपदेश है। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। भगवान की साक्षात दिव्य वाणी होने के नाते इस श्लोक समेत श्रीमद् भगवद् गीता के सभी श्लोकों को मंत्र का दर्जा हासिल है। गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिसर तालाब के निकट स्थित इसी अक्षय वट के नीचे कहा था। मान्यता है कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसी वट वृक्ष के नीचे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये वही अक्षय वट वृक्ष है जो आज भी आप देख पा रहे हैं कि हरा भरा है। यहाँ पर जो मान्यता है उसके लिहाज से, क्योंकि इस पेड़ ने, इस वृक्ष ने उस समय गीता के उपदेश को सुना था, इसलिए ये अमर हो गया है, हमेशा के लिए इस ज़मीन पर विराजमान रहेगा। और इसी पेड़ के आप देख पा रहे हैं कि पांच जो अलग अलग इसकी जो जड़ें हैं वो अलग अलग तरीके से निकली हुई हैं। इसका मतलब कि पांच पांडव को ये दर्शाती है। और इस वृक्ष के नीचे, क्योंकि इसको विजडम ट्री भी कहा जाता है, यहाँ से पूरे विश्व को गीता का ज्ञान मिला था। गीता का जन्म और इस पेड़ के जन्म दोनों का एक समय बताया जा रहा है। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उसके बाद अर्जुन ने अपने कर्म को धर्म से बड़ा माना और युद्ध के लिए दोबारा से तैयारी की, जिसके बाद महाभारत के युद्ध का परिणाम हम सबके सामने था। इस जगह का नाम है ज्योतिसर तीर्थ। ज्योति का मतलब ज्ञान, सर का मतलब सरोवर। जो तीर्थ है इसका नाम है ज्ञान सरोवर। जो ये जगह है, इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया।
विराट रूप दर्शन दिया और महाभारत का बीच का सेंटर पॉइंट है ये पेड़। कहते हैं जब से इस पेड़ ने गीता जी का विराट रूप दर्शन किया है या गीता जी का उपदेश सुना है, जब से पेड़ अमर हो गया है, इसलिए इस पेड़ का नाम अक्षय वट वृक्ष रखा गया है। अक्षय का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता। और इस पेड़ की जो पांच जड़े हैं पांडवों के रूप में कहलाई जाती हैं। जो ये वाला वृक्ष है ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में आज भी यहाँ पर माना जाता है। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव के मौके पर ये परिवार हिमाचल प्रदेश से इस वट वृक्ष की छांव में कुछ पल बिताने आया। इन लोगों का कहना है कि इन्हें यहां आकर दिव्य अनुभूति हो रही है। गीता जयंती पे हम पिछले वर्ष भी आए थे और इस स्थान पे पिछले वर्ष भी आए थे और यहां आकर बहुत अच्छा लगता है, आत्मिक शांति मिलती है। और ये दो चार दिन रहने से यहाँ जीवन का अलग ही एक महत्व और एक मार्गदर्शन मिलता है। द्वापर युग में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के मोक्षदा एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। इसी वजह से इस तिथि को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। एक जाति धर्म संप्रदाय ये सब जो मतभेद है उसको एक रास्ते दिखाने का काम गीता करती है। समत्वम योग उच्यते है, जो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न तद वास्ते सूर्यं शशांकोन पावका यद गत्वा निमंत्रन्ते तद धाम परमम। हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा धाम है जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि और बिजली की रोशनी उसको प्रकाशित नहीं करती, वह स्वयं प्रकाश है। और उसी प्रकाश का कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान कराया। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गीता जयंती मनाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि अन्य ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा लिखे गए या संकलित किए गए हैं, जबकि गीता का जन्म भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है। आज हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग कुरुक्षेत्र में गीता के हर वाक्य को जीने और समझने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्योंकि गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। ये जीवन के यथार्थ का साक्षात्कार करवाकर जीने की कला सिखाती है, जिसकी आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी। गीता एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जिसका एक श्लोक क्या एक शब्द भी सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता की टीकाएं दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। गीता का ज्ञान भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान यानी इसरो को भी यहां खींच लाया। इसरो ने गीता महोत्सव में अपना स्टॉल लगाकर लोगों को विज्ञान और अंतरिक्ष के रहस्य बताने और समझाने की कोशिश की। इसरो ने चंद्रयान को चांद पर भेजा है और इस मिशन ने उसको घर घर पहुंचा दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस गीता का संदेश कुरुक्षेत्र की धरती पर दिया था, वहां पर इस गीता जयंती के महोत्सव में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने भी एक स्टॉल लगाया है, जिसमें वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के वैज्ञानिक अपने कर्म के सिद्धांत पर चलते हुए, गीता के ज्ञान पर आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान का नाम विश्व पटल पर स्पेस में अलग अलग सैटेलाइट्स भेज के रोशन करते हैं, किस तरीके से कड़ी मेहनत के बाद उनके नतीजे आते हैं। हाल ही में जिस तरीके से चंद्रयान का मिशन हुआ है और उसमें जो हिंदुस्तान की उपलब्धि रही है, दूसरा देश हिंदुस्तान जो बना है, उसके बाद लोगों की बहुत रुचि, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। ये एक PSLV होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे तमाम सैटेलाइट्स जो स्पेस में भेजे जाते हैं वो इस
PSLV जिसका ये प्रोटोटाइप है उसके माध्यम से भेजे जाते हैं। वहाँ पे चंद्रयान आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान का एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन जो चलाया गया था, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर वो मंगलयान, वहाँ देखिए मंगलयान जो मंगलयान के बारे में, ये मंगलयान का प्रोटोटाइप है, किस तरीके से मंगलयान के लिए तैयारी की गई थी और इसको भेजा जा चुका है। और ये मंगलयान 2013 में जो मिशन मंगलयान हुआ था उसके बारे में, तो तमाम चीज़ें इसरो की तरफ से लगाई गई हैं। विशेष तौर पर जो युवा वर्ग है और जो बच्चे हैं, किड्स स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों की बड़ी रुचि इसमें है। और गीता जयंती के इस महोत्सव पर इसको लगाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें और कर्म के सिद्धांत गीता पर किस तरीके से इसरो जैसी महान संस्था काम कर रही है उससे कुछ प्रेरणा लेकर आने वाले वक्त में कैसे इसरो को बेहतरीन साइंटिस्ट मिले हैं, उन सब के लिहाज से इसरो ने इस प्रदर्शनी का, इस स्टॉल को यहाँ पर गीता के इस महोत्सव में लगाया है। इसरो ने इस महोत्सव के जरिए लोगों को अपने काम से और विज्ञान से अवगत करवाने का प्रयास किया। इसमें बच्चों से लेकर बड़ों ने भी खूब रुचि दिखाई। गीता सर, जो कृष्ण जी ने हमें उपदेश दिया था, जिससे उस समय से लेके आज तक संसार को एक मार्गदर्शन मिल रहा है उनके उपदेश के द्वारा, उसमें जो श्लोक है उसके जो भाव अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि एक श्लोक के अगर साथ साथ बुक भी हम भर दें फिर भी उसका भाव पूरी तरह से हम प्रकट नहीं कर सकते, ये मुझे गीता में देखने को मिला। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं बिहार से गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर गीता के निचोड़ मुझे बताया जाता है। इस मेले में गुजरात से भक्ति भी आई। ये 60 विधवा महिलाओं के साथ मिलकर एक संस्था चलाती हैं। भक्ति का कहना है कि गीता जयंती के इस महोत्सव में उन्हें ज्ञान भी मिलता है और घर चलाने का अर्थ भी। हमारा पूरा ग्रुप है 60 लेडीज का, वो 60 लेडीज पूरी विडो है, उसमें 10 मुख्य कार्यकर्ता है और 50 जो है वो विडो लेडी टोटली जॉब वर्क है वो करती है। हमारा यही है कि जिसके घर में आदमी नहीं है उसका खर्चा, घर का खर्चा, उसके बच्चे की पढ़ाई, उसकी लड़कियों बेटियों की शादी, सब वो अपने अपने बलबूते पर निकाल सकती है, वो दिया है। इसीलिए हम वही लेडीज को अपने काम में लेते हैं जिसको जरूरत है। साल दर साल इस मेले में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले साल करीब 40 लाख लोग महोत्सव में शामिल हुए तो आयोजकों को इस बार ये आंकड़ा भी पार होता दिखा। शुरुआत में स्टॉल कम थे लेकिन बाद में जगह कम पड़ी। पिछले सालों की तरह से इस बार भी बहुत ज्यादा सेल है और मतलब पिछले साल हमें ये लगा था कि 3 करोड़ के करीब सेल हुई थी, लेकिन इस साल उससे भी ज़्यादा सेल होने का अनुमान है, क्योंकि इनको कस्टमर है, जो ग्राहक है वो मेले में आया हुआ ग्राहक है, इनसे कुछ ना कुछ खरीद के जाता है और इनकी बहुत अच्छी सेल होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये चाहते हैं कि गीता घर घर में पहुँचे, गीता 48 कोस के अंदर हर तीर्थ पर पहुँचे और ये पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो कुरुक्षेत्र जो है, और विकसित भी इस तरीके से हो कि हमें बाद में इसके स्वरूप की चिंता ना करनी पड़ेगी, अब इसमें नाला खोदना है, अब सीवरेज खोदना है, हम वो सारे काम कुरुक्षेत्र के अंदर पहले से करके एक बिल्टअप कर रहे हैं। जो कुरुक्षेत्र का बिल्टअप है वो बड़े स्ट्रांग फुटिंग्स के ऊपर है, सारा इंफ्रा बड़े स्ट्रांग फुटिंग्स के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये माननीय मोदी जी का जो स्वप्न है, जो उनका कि तीर्थ और हमारे पर्यटक स्थल जो हैं वो टोटल इंफ्रा से लैस होने चाहिए, वो कुरुक्षेत्र वो स्थान पाएगा। और इसके अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने हमें घोषणाएँ दी हैं, भारत माता मंदिर है और सब चीज़ें हैं, जो कृष्णा सर्किट 2 आके कुरुक्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम करेगा, कृष्णा सर्किट 1 में हमने बहुत बड़ा काम किया है, तो आने वाले दिनों के अंदर कुरुक्षेत्र पर्यटन की सांस्कृतिक राजधानी भारत की बनेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ये महिलाएं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, उन्हें उम्मीद है कि इससे इनको परम सुख प्राप्त होगा और जीवन मरण के बंधन से छुटकारा मिलेगा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। प्यारी लगे, प्यारी लगे, मोहे प्यारी
आज के समय में गीता की बहुत अधिक जरूरत है, आवश्यकता है कि जो जो संदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में दिया था, आज उसे पूरा करने का समय है कि हम सभी मिलकर गीता को पढ़ें और उन्हें अपने जीवन में अमल करें। अपना कर्म सत्कर्म के साथ करना चाहिए। अगर कोई अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। गीता पढ़नी चाहिए घर में और बच्चों को भी सिखाना चाहिए, उनको भी पढ़ाना चाहिए। श्लोक, गीता के श्लोक भी याद होने चाहिए बच्चों को, क्योंकि आज के युग में बच्चे भूलते जा रहे हैं कि गीता क्या है। कहते हैं जीवन के हर पहलू की गीता से जोड़कर व्याख्या की जा सकती है, इसलिए इसका संदेश किसी को मानसिक शांति देता है तो किसी को शारीरिक कष्टों से मुक्ति। जब से मैं गीता पढ़ने लगा हूँ तो मेरे मन को अटेंशन को खत्म किया। नित्य पढ़ने से, मैं नित्य गीता पढ़ता हूँ, मैं और मेरी मिसिज नित्य हम मंदिर में जाकर भगवान जी का भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, यानी गीता को मेरे टेंशन और बीपी दो चीजों के रोगों को खत्म किया है। कुरुक्षेत्र में 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान लोगों की भारी तादाद के मद्देनजर ये कहना मुश्किल था कि शहर में गीता है या गीता में शहर। हर दरो दीवार पर लगे ये बैनर कार्यक्रम की भव्यता बताकर श्रद्धालुओं का स्वागत करते नजर आए। कला, शिल्प, संस्कृति, धरोहर और आध्यात्म के इस भव्य उत्सव के कुछ आयामों को हमने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। गीता में ज्ञान रूपी वो संजीवनी है जो निराश मन में आशा के प्राण फूंक देती है। ये झंझावात भरे माहौल में भी जीने की कला सिखाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वेद वेदांत पढ़ने समझने की किसी को फुर्सत नहीं है, पर गीता में सारे शास्त्रों का सार निहित है। इसलिए गीता आने वाले वक्त में भी हमें जगाती रहेगी, रास्ता दिखाती रहेगी, सत्य और कर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण के इंसानियत को दिए गए उपदेश पर आधारित ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे कैमरा सहयोगी विनोद बनवाल के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।